और ये दिल यूं ही कभी कभी बिखर सा जाता है, कहीं अंधेरों में गुम सा हो जाता है। इंसानों की तलखियां इसे बेजार सा कर देती हैं, तो कभी अपनी ही गुनाहों को याद करके ये दिल जारों कतार रोता चला जाता है। ऐसे में कितनी शिद्दत से चाहत होती है कि कोई तो हो, हाँ कोई तो हो, जो इस दिल की बेचैन और सिसकती धड़कनों को अपनी मोहब्बत का पैरोकार बना ले, फिर आहिस्ता से इन धड़कनों से सरगोशी करे और सारे गमों को अपनी आगोश में लेकर इन तड़पती आंखों से बहने वाले आंसू को अपनी रहमत के दामन में किसी ठंडी हवा की तरह जब्त कर ले, और फिर लफ्ज चाहे जबां का साथ दे या ना दे, मगर कोई हो, कोई तो हो, जो आंसू के टपकने से पहले ही दिल का हाल जान ले। यकीनन यकीनन मखलूक कायनात में ऐसा कोई नहीं है, हाँ ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर ये दिल किसकी बेलगाम चाहत का तलबगार है? हाँ ये दिल नादा तो उस अरसे अजीम पर रहने वाले की मोहब्बत का तलबगार है, और ये आंखें उसी की मतलशी है जो जमीन आसमान का नूर है।